हाला हाला, नाइस मीटिंग यू हाला। अभी इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की मिलने आएगी तो अच्छा लगेगा ही ना? ऑफ कोर्स। Hey guys, welcome back to Chance. I'm Shikhi with you and this is Swagata. मेरा इंट्रोडक्शन मुझे देने देना। ये एकदम फुल स्विंग से चालू हो जाता है जैसे व्लॉग स्टार्ट होता है। लेकिन हमने अभी चैनल सेग्रीगेट किया है। तेरे को एनएस व्लॉग्स मराठी मैनेज करना है, मेरे को एनएस व्लॉग करना है। तो मैं ये रिप्रेजेंट तेरे को भी कर सकता हूं। ओके, माय गॉड, दैट मींस तेरा चैनल है। Yes, officially. Officially. So today this becomes my own channel now because she has got one more channel now. ANS Vlogs Marathi. Yes. Okay. और उसका अभी हम लोग ने अभी शूटिंग किया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। तो प्लीज वापिस जाके सब्सक्राइब करना उसे और मराठी का सपोर्ट करना। Especially जो भी मराठी व्यूअर्स है, definitely you should check out our Marathi channel ANS Vlogs Marathi. नाम हमने सिंपल रखा है so that it can be easily searched. ANS Vlogs Marathi. तो आपको पता है अभी क्या सब्सक्राइब करना है, राइट? हमारा नया चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Okay. So actually हम ये ब्लॉग भी हमारे नए चैनल के इंट्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। yes. लेकिन हम कहाँ आए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस इन दुबई, जहाँ पे हमारा है दुबई मॉल, यहाँ पे है द एड्रेस होटल और यहाँ पे है द वेरी टॉल स्टैंडिंग बुर्ज खलीफा। अभी मैं ये व्यू बार बार नहीं दिखाऊंगा। हमारे बहुत सारे चैनल पे क्या बहुत सारे ब्लॉग्स पे आपने ये व्यू देखा है, बुर्ज खलीफा कैसे yes. दिखता है, बुर्ज खलीफा एट द टॉप का भी है, दुबई मॉल कैसे दिखता है, एड्रेस होटल लिखा है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं पता है क्या? आप इतना दुबई यूट्यूब पे देखा रहे, जब हम यहाँ पे आए ना ऐसा लगा ही नहीं कुछ नया है। यस, एग्जैक्टली। तो हमारे नए चैनल का तो इंट्रोडक्शन हो गया, अभी इस ब्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंटली कुछ तो करते हैं। एग्जैक्टली राइट, आज कुछ तूफानी करते हैं। रात के 12:30 बजे तूफानी ऐसा नहीं, भूख लगे लेकिन इस लड़के को ब्लॉगिंग करना है। थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं, टेक्निकल करो, ये चलो शुरू करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, मेरे मन में एक आइडिया है। हमने रिसेंटली पानी में कूदते टेक्निकल कर दिया, टेक्निकल नहीं है ये एडवेंचर डम आइडिया है। ओके, सो अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा है जिसमें हमने S10+ इसके लिए परचेज किया था, और अब तक तो मेरा सिम कार्ड तो डाला नहीं है इसके लिए तो तेरा ही होने वाला है। मेरा मेरे काम का फोन है, मेरा फोन एकदम परफेक्ट है। मुझे फोन दे तो इस पे मैं अपना YouTube के सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ। यस, सो ओके, अभी मुझे ये बोलना था कि अगर हम आपने हमारा इसके पहले वाला ब्लॉग देखा है तो हमने उसमें S10+ परचेज किया था। तो आज मुझे ऐसा मन कर रहा है कि आपको मैं S10+ के और हमारे Canon G7X Mark II which we have been using for quite long for ANS vlogs, yes. for shooting our videos, उसके glimpses पे, I mean glimpses से सोड़ा था, क्या बोल रहा हूँ मैं, चे मेरा लाइन कट कर देती है हमेशा ये डिस्टर्ब करके। एक टेलीफोन का लाइन है जो लाइन कट करने के लिए। ओके, तो उसके जो मैं शॉट्स अभी निकालने वाला हूँ, वीडियो शॉट्स, उसके थोड़े से ग्लिम्सेस आपको दे दूँ। सो आपको पता चलेगा कि Canon G7X Mark II और Samsung S10+ इसमें डिफरेंस क्या है वीडियो क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में रादर कैसे आता है वीडियो, फोटो क्वालिटी भी इसमें, क्योंकि तू इससे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये मोबाइल है और कैमरा है और ऑफ कोर्स ये व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा है। मैं ये डिसाइड नहीं करने वाला हूँ कि कौन सा बेटर है। ओके, मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ कि एक S10+ में फुल HD में कैसे वीडियो आते हैं और Canon G7X Mark II में कैसे वीडियोस आते हैं। ओके, सो थोड़ा सा अलग करते हैं क्योंकि नहीं तो इस ब्लॉग का कोई मीनिंग नहीं है इंट्रोडक्शन के अलावा, राइट? इंट्रोडक्शन तो हमने ऑलरेडी दे दिया है। आप में से बहुत जन ने मुझे ये पूछा कि ANS Vlogs जो मेन चैनल है वो क्या बंद होने वाला है ANS Vlogs मराठी के बाद? तो उसका आंसर है नहीं। ANS Vlogs में कभी भी बंद नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा मेन चैनल है और इसको इनफैक्ट मैं खुद मैनेज करने वाला हूँ और स्वागता एडिटिंग करने वाली है। सो एडिटर विल बी कॉमन फॉर बोथ द चैनल्स, व्हिच इज स्वागता। यस, क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंस नहीं एडिटिंग करने के लिए। अच्छा, मेरे वाले वीडियोस में एकदम मस्त सिनेमैटिक शॉट्स लूंगी, अच्छे-अच्छे म्यूजिक, तुझे तो ऐसे ही बना के डाल दूंगी। लेकिन वही चलने वाले हैं। चलो देखते हैं अभी कंपटीशन। सब्सक्राइब मराठी को सब्सक्राइब करो और फटाक से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो चलने वाले, वो भी चलाओ ये भी चलाओ क्योंकि आफ्टर ऑल दैट्स माय मदर टंग। सो दोनों चैनल पे मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने का ट्राई करने वाला हूँ। सो आई होप यू गॉट द लिंक बाय नाउ। आपने चेक किया कि नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है ANS Vlogs मराठी, पता है ना कहाँ पे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स? ठीक वीडियो के नीचे। हाँ। और अभी मैं बताने वाला हूँ कि Canon G7X Mark II और Samsung S10+ से वीडियोज कैसे डिफर करते हैं। ओके, सो अभी ये भी मैंने सेल्फी स्टिक को लगाया और इसको मैं साइड बाय साइड रखने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कैसे वीडियोस आते हैं इस पे। सो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो है Samsung S10+ से और थोड़ा सा एक सर्कल में घूमता हूँ इस पेड़ के नीचे आजू बाजू में
और आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है. ओके सो ये जो लाइटिंग आ रहा है वो पेड़ का लाइटिंग है. दिस इज द पेड़ और ये है बुर्ज खलीफा. डैम. ओके अभी मैं स्विच करूंगा कैनन G7X मार्क 2 पे. ओके अभी मैंने लिया है कैनन G7X मार्क 2. अभी फिर वही सर्कल में मैं घूमने वाला हूँ. ये है ये वही बिल्डिंग. अभी आएगी बुर्ज खलीफा जो मैं पूरा दिखाने वाला हूँ. ये है बुर्ज खलीफा. अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये लाइट था इस पेड़ का. ओके और वो है द एड्रेस होटल. सो डेफिनेटली कैनन G7X मार्क 2 इज क्लियरर बट कैमरा का जो लेंस है दैट इज वाइडर इन सैमसंग S10 प्लस कंपेयर टू G7X मार्क 2. ये था डिफरेंस G7X मार्क 2 और सैमसंग S10 प्लस में इसकी वीडियो क्वालिटी में. डेफिनेटली ब्लॉगिंग के लिए कैनन G7X मार्क 2 इज ऑलवेज प्रिफर्ड एंड डेफिनेटली इट इज द बेस्ट कैमरा. बट सैमसंग S10 प्लस भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा है और आप आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो. इनफैक्ट जो हमारे मराठी चैनल पे फर्स्ट वीडियो हमने पुटअप किया है वो पूरा S10 प्लस से बना है. सो आप चेकआउट करना सो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस वेरी क्लियरली देयर. तो अभी हमारा प्लान है कि हम फटाक से जाएंगे खाना खाने के लिए, बहुत भूख लगा है. और इधर जो सामने जो होटल्स है ना मतलब रेस्टोरेंट्स है वो जग भर में जितने फेमस है वो सब है यहाँ पे. यस तो उससे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमको. हाँ. तो फटाक से हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे और कुछ काम ही बचा नहीं. रात के 1 बज गया और क्या काम करेंगे. सो वी हैव मेट आवर न्यू सब्सक्राइबर, शी इज फ्रॉम जॉर्डन. व्हाट्स हर नेम? हाला. नाइस मीटिंग यू हाला. आई एम फ्रॉम इंडिया. वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी लिव इन दुबई. वी वर्क हियर. सो नाइस मीटिंग यू. Thank you. Would you like to give an introduction to you? Yeah. Yeah, sure. Tell me. Thank you. Did you like Dubai? Yeah, I like. When did you come to Dubai? Last week. Oh, thank you. It's okay. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. आजकल हमारा चैनल ऐसा ग्रो हो रहा है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो हमें मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर दैट. एंड अभी इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की मिलने आएगी तो अच्छा लगेगा ही ना. ऑफ कोर्स दैट्स वेरी नेचुरल यू नो. बट वो उसको मतलब इंग्लिश बोलने में नहीं आया तभी तो आई उसको वीडियो में आना. या सो शी सीम्ड वेरी एक्साइटेड इजंट इट. और पता है एक्चुअली ट्रिक क्या है, जब भी हम लोग सिर्फ G7X Mark 2 देखते हैं ना. हाँ. शायद जो नए लोग हैं उनको पता नहीं चलता लेकिन G7X Mark 2 विद दिस काइंड ऑफ अ ट्राइपॉड इज अ परफेक्ट यूट्यूबर सेटअप. ये भी यूट्यूबर का सेटअप है. ये तेरे जैसे यूट्यूबर का सेटअप. अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ऐसे क्लाइमेट में बुर्ज खलीफा के जब भी हम लोग सामने चल रहे उधर से निकलने का मन तो करता है नहीं लेकिन जब भी पेट में चूहे दौड़ते हैं तो निकलना ही पड़ता है. तो मैं थोड़ा सा कैमरा टर्न अराउंड करता हूँ और स्वागत है उधर से पास होगी और आपको दिखाता हूँ. ये देखो ये कैमरा एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसका लिटअप का जो स्टेट है. इट्स वेरी लिटअप. या यू कैन एक्चुअली फील नाउ राइट. बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है. यहाँ पे जो हम लोग आसपास देख रहे हैं बहुत सारे लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं. मास्क मतलब जो मुंह पे मास्क आता है वो मुंह पे और नाक पे. लेकिन हम लोग को भी ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग भी ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि वी शुड ऑलवेज टेक केयर और यू शुड ऑलवेज यू नो टेक अ प्रिकॉशन राइट. प्रिकॉशन ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो आप भी हमेशा प्रोटेक्टेड रहना. यू ऑल्सो स्टे प्रोटेक्टेड एज मच एज पॉसिबल. डोंट गो इन वेरी क्राउडेड प्लेसेस. और जो भी है आप पढ़ लेना यूट्यूब पे. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ऐसे या मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ. तो जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर डे टू डे लाइफ. मेरे बाजू में जाना था रेस्टोरेंट दिखने वहाँ पे जाना है. हम लोग बैड नेम नहीं करना चाहते किसी भी कंट्री को या किसी भी रेस्टोरेंट को या फिर किसी भी यू नो रेस ऑफ पीपल को. एवरीबडी इज गुड बट इट जस्ट दैट दे आर अनलकी यू नो. That is also true. You should always take precaution in your eating habits as well. So, yeah. stall पे लेके बेच रहे हो सब. क्या? इतना होने के बाद भी. Rats and all, right? और rat का soup, snake soup, कैसे कौन पी सकते? My God. Yeah, I hope आपको पता रहेगा कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ से. ये snake soup से आया.
So try to avoid snake soup if you are having it regularly. I'm sure मेरी कोई भी audience snake soup को prefer नहीं करती रही है। मुझे तुमने आज तक एकदम weirdest food क्या खाया है? एकदम weird। Life में कभी नहीं खाया ऐसा। कुछ है ऐसे बताने लायक तेरे पास? See जो भी खाया है चिकन फिश और मटन खाया है, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया ना? तो तू वियर्ड जानवर पूछ रही है कि कौन सा? नहीं, ऐसे वियर्ड फूड इन टर्म्स ऑफ फूड। क्या था? टर्म्स ऑफ फूड क्या खाया रहेगा? ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड खाया रहेगा, बस बॉइल्ड श्रिम्स व्हिच आई एक्चुअली लाइक। और मैंने क्या खाया? क्या पिया है मतलब? क्या एक कॉफी? हां, तो वियतनाम में नहीं देखा तो उसके लिए कि आप जाके देखो मेरा रिएक्शन कैसा था। माय गॉड, वो कॉफी पीने के बाद मैं लिटरली ऐसे किया। हां, ऐसा कोई वियर्ड चीज मैंने तो खाया नहीं है। क्योंकि तूने मुझे चैलेंज की थी जब हम वियतनाम जाएंगे तभी वो ब्लॉग तू करेगी। एग्जैक्टली। ओके, सो अभी फिलहाल हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम अभी कौन सा रेस्टोरेंट में जाएं रात के 1 बजे। चैलेंज ये है कि तू आज खाना ही मत खा और सो जा। ये तुझे चैलेंज है। मैं दुनिया के सभी चैलेंजेस ले सकता हूँ लेकिन विदाउट खाना नहीं ले सकता। ये चैलेंज मैं कभी नहीं ले सकता। रात के 1 बजे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल सकता है। यस, बहुत कुछ मिल सकता है। और ऑनेस्टली मतलब एकदम ऑनेस्टली मुझे जोरों की भूख लगी है। मुझे इतना खाना है, इतना खाना है। बताने की जरूरत नहीं है। कोई ब्लॉग ऐसा नहीं है कि जिसमें खाना नहीं है। इधर भी जाओ ब्लॉग है, इसको खाना उसमें ऐड करना ही है। यस, घर से खाया है तो भी इसको खाना ऐड करना है। एक्चुअली विद दिस ट्राइपॉड वी गेट अ वाइडर एंगल, राइट? व्हाई आर वी नॉट यूजिंग माय ट्राइपॉड सो फ्रीक्वेंटली? इतने लोग हैं यहां पे और हम खाली ब्लॉग करने के लिए आए हैं। वैसे कल भी हम लोग आने वाले हैं दुबई मॉल में, हमारा एक काम है इधर। हमारे फेवरेट चाचा इधर के हमेशा ऐसे ही वेलकम करते कैसे हो? बस एकदम मजे में। अरे माँ के पास आए एकदम मजे में। आप बोलो। ये आज आपके लिए स्पेशल दाल बटर बना। अरे बाप रे, स्पेशल दाल बटर। और ये है हमारी आलू कद्दू। और ये लीजिए लेमन ऑयल। आप अपने बाजार में कांदा और हम अपने जबान में क्या प्याज बोलते प्याज लेमन प्याज। तो ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट है इन दुबई और इसकी वजह है सिर्फ ये भाई। आप 5 बजे आओ या 10 बजे आओ या 12 बजे आओ, रात के इनके चेहरे पे जो स्माइल है वैसी की वैसी दिखती है। इनका नाम है रियाज, ये है पाकिस्तान से, पेशावर से। सो खास इनकी वजह से, जो मेरे भाई है दोस्त है, इनकी वजह से हम लोग इधर आते हैं। और ये हमें हमेशा जो भी मंगा दे, मटन कबाब एक्चुअली हमारा स्पेशल है जो अवेलेबल है नहीं फिलहाल इधर, लेकिन जो भी सब्जी। अभी रात के कितना बजा? रात के दो बजने वाले करीब है। मटन कबाब की डिमांड कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली फिर भी मैं आपकी डिमांड पूरा किया कि स्पेशल जो मूंग दाल बटर हमारी बनती है स्पेशल आपके लिए बनाया। एक्चुअली जो भी हम लोग ऑर्डर करते हैं वो एकदम स्पेशल ही बना के आते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टी रहे और बहुत किफ़ायती है। वो सब प्यार में आप और हमारा प्यार है, ये बेटर चीज यही है। एग्जैक्टली, दिलों की लगन पूरा प्यार। बाय द वे रेस्टोरेंट का नाम है रावी रेस्टोरेंट, वो तो पता। अल नादा में, अगर आप इन एंड अराउंड दुबई हो तो यहाँ पे जरूर विजिट करना और ये भाई से जरूर मिलना। और आपको कुछ कहना है हमारे सब्सक्राइबर्स? बस हम आपके लिए यही कहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ इस तरह साउंड करें और लाइक, आप हमारे बेस्ट और सबसे बेस्ट दोस्त। और ये टिकटॉक पे भी है, टिकटॉक का आईडी क्या है आपका? चलो अभी खाना खाते हैं। आलू आलू शलगम ना? आलू कद्दू है, आलू कद्दू की सब्जी। और ये इनकी स्पेशल दाल। और ये रही पाकिस्तानी रोटी। और ये है कांदा और नींबू। और ये यहाँ का लबान जो कि हम इसको ताक बोलते हैं, बटर मिल्क। अभी टूट पड़ते मस्त है ना? पहला इसमें मिर्ची। बाय बाय, थैंक यू। मिलके बहुत खुशी हुई। चाचा थैंक यू।
वो